आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर के प्रसिद्ध व प्राचीन टौणी देवी मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य पर विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे देश में नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। मां के दरबार दुल्हनों की तरह सजे हुए हैं। चैत्र नवरात्रों में मां के 9 रूपों की आराधना की जाती है। वहीं अष्टमी के दिन मंदिरों में हवन व पूर्णाहुति का भी आयोजन किया जाता है। अष्टमी के उपलक्ष्य में हमीरपुर के प्राचीन व प्रसिद्ध टौणी देवी मंदिर में हवन व पूर्णाहुति डाली गई। मां की विशेष पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी मंदिर कमेटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां की महिमा का भी खूब गुणगान किया। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर खूब भजन कीर्तन किया। Do da.
इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान ने बताया कि अष्टमी के उपलक्ष्य पर मंदिर कमेटी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं से भी भंडारे के लिए दान आया है, जिसके लिए उन्होंने श्रद्धालुओं का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही लोगों का भी मंदिर परिसर में पधारने पर उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों की माँ टौणी देवी के प्रति काफी आस्था देखने को मिलती है। खास कुदरती मंदिर के तौर पर मंदिर में लेना है, घर में नहीं करेंगे, मंदिर में करेंगे। जनता खाई आए, बाहर से आई है जनता, काफी खाती पीती रहेगी। कितना दान दिया आपने? दान का एस्टिमेट नहीं है, जितना खर्चा आता आयोजन करता आप ही हैं, जितना मर्जी लग जाए। जी, जो भगवान ने और माता ने ऑर्डर दिया, हमने सोचा भाई चलो लंगर में लगा दें तो फिर एक दुनिया खाएगी जो हमारे पास इतनी बार। उन्होंने कहा कि टौणी देवी मंदिर में हिमाचल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। मां टौणी देवी अपने सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। आज अष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिर कमेटी ने प्रतिवर्ष की भांति जो भंडारे का आयोजन किया है, उसमें सर्व कमेटी और हमारे पूजनीय सुविधा परशुराम जी, जिन्होंने आज इस भोजन में या भंडारे में 50,000 का योगदान भी दिया है, मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूं। और इस भंडारे को सफल करवाने के लिए हमारी जो कमेटी है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक प्रधान तभी सफल होता है अगर उसके साथी जो हैं वो मतलब सफल हों और वो काम करें। तो आज जैसे भी यहाँ भंडारे का काम चला हुआ है, उसको देखते हुए मैं कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ भंडारे में जो लोग आ गए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा ये भंडारा जो है वो सफल बनाया है। एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, उसके उपरांत धीरे धीरे जैसे कमेटी का गठन हुआ तो यहाँ बिल्डिंगें जो हैं वो बनानी शुरू हो गई। एक एक पैसा जोड़कर इसमें योगदान दिया गया, ये इलाका वासियों का और श्रद्धालु यानी हमारे लगभग हिमाचल से बहुत ज़्यादा और पंजाब से भी यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर उनकी याचिका को खारिज होने और सीबीआई द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद हिमाचल भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने शिमला में रैली निकाली और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सरकारी आवास ओक ओवर के बाहर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग भी उठाई। भाजपा का कहना है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय हो गए हैं। सीबीआई ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। अब उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई हक
नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही भाजपा ने कहा कि सरकारी आवास भी उन्हें खाली कर देना चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर का कहना है कि वीरभद्र पर सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर कर दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके खिलाफ भाजपा ने वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सरकारी आवास खाली करने की भी मांग की। वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हैं, इसलिए उन्हें इस सरकारी आवास में रहने का कोई हक नहीं है। अगर वीरभद्र सिंह इस्तीफा नहीं देते तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। जो वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के बारे में दर्ज हुई एफआईआर को दर्ज करने से इनकार किया, दर्ज करने का जो उनका निर्णय था उसे अपहेल्ड कर दिया गया और उनकी पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीबीआई अदालत में जो है वो नायर विवाद दायर कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इंतजार कर रही थी 31 मार्च से लेकर के, कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप था कि अगर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी में जरा भी नैतिकता है तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, लेकिन वीरभद्र सिंह जी को इस्तीफा देना तो दूर रहा, वो उल्टा आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी ने ये संघर्ष यात्रा, ये जो हमारा ये यात्रा है, ये निवास स्थान पर की है और उनसे अनुरोध किया है कि कृपया वो अपने निवास को खाली कर दे, क्योंकि भ्रष्टाचारी को इस आवास में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमीरपुर टोनी देवी स्कूल के आयुष ठाकुर और अभिषेक ठाकुर का चयन स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। छात्रों ने इस पुरस्कार के लिए कड़ी मेहनत की है। इस उपलब्धि के लिए स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। टोनी देवी स्कूल के आयुष ठाकुर और अभिषेक ठाकुर का चयन स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। इन छात्रों के चयन से पूरे टोनी देवी क्षेत्र व स्कूल परिसर में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। छात्रों ने इस पुरस्कार के लिए कड़ी मेहनत की है। वही स्कूल के प्रधानाचार्य मुश्ताक मोहम्मद ने बताया कि यह स्कूल 111 वर्ष पुराना है। इतने वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों का चयन किसी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। यह स्कूल के लिए हर्ष की बात है। प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण देना हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। ये जी 111 साल के इतिहास में ये स्कूल जो 111 साल पुराना है और पहली बार ये दो बच्चे राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिला है और हमारे स्कूल के लिए ये बहुत गौरव की बात है और हम प्रयास करेंगे आगे इस बार दो बच्चे और आगे 4 या 8 बच्चे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयनित हों। यहाँ से हम स्कूल में एक कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों को दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे NIT और मेडिकल कॉलेज जो उनमें एडमिशन हो, और जैसे हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर, वहाँ पे हमारी जो बास्केटबॉल की टीमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नहीं स्टेट लेवल पे जीत के आएँ, हम इस प्रयासरत हैं इसके लिए। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित छात्रों ने भी अपने विचार पोलस्टार टीवी के साथ साझा किए। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने अध्यापकों और माता पिता को दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके लिए। इसके पीछे हम अपने प्रिंसिपल सर और हमारे स्काउट मास्टर श्री सतीश राणा की मेहनत मानते हैं और जो हमने खुद की। मैं स्कूल प्रबंधक कमेटी का जब से प्रधान बना हूँ तब से स्कूल ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। दो बच्चों ने जो राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है ये उनकी अपनी मेहनत है और साथ में मेहनत है सतीश राणा जी की, जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर अथा प्रयास करके उन बच्चों को इस कामयाबी के ऊपर जो है वो भेजा है। और साथ में मैं बधाई देना चाहूँगा स्टाफ को और प्रिंसिपल जी को, जिनके अथा प्रयासों से ये बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सर, हमारे जो स्काउट होते हैं इनमें प्रथम स्पान, द्वितीय स्पान जो स्कूल लेवल पे ही जो करवाया जाता है बच्चों से, तृतीय स्पान में जो है जिला लेवल पे एक कैंप लगता है और उसमें जो तृतीय स्पान टेस्टिंग कैंप होता है और उसमें जो बच्चे पास होते हैं उनको जो है राज्य पुरस्कार में
जो है कैंप में जाने का मौका मिलता है। और राज्य पुरस्कार कैंप में जो बच्चा पास होता है उसको राष्ट्रपति पुरस्कार में जाने का मौका मिलता है। और जो हमारे जो स्काउट्स थे, 3 स्काउट्स का जो है फॉर्म भरे गए थे, उसमें 1 स्काउट्स का जो है फॉर्म जो है वो किसी कारण रद्द हो गया और 2 बच्चों को वहाँ पे जाने का मौका मिला है। तो इसमें जो है जो इनका जो सिलेबस होता है उसके साथ साथ जो है समाज की जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें 3 महीने या 6 महीने जो है बच्चों को दस्तावेज प्राप्त करने होते हैं। और उसमें जो एक कम्युनिटी वर्क होता है जिसमें हमारे जो स्कूल प्रबंधन समिति के जो प्रधान हैं मदन जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और हमें समय समय पर प्रधानाचार्य जी ने जहाँ पे भी हमने कहा है वहाँ पे भेजा गया है। तो इसमें जो है मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारी जो कामयाबी हमें मिली है, क्योंकि हम ये सोचा करते थे कि क्या हमारे जो टोनी देवी स्कूल का बच्चा जो है कोई राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करेगा, और आज हमें ये बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो है पूरे ज़िले में 4 बच्चों को, उसमें जो एक SD से है और 2 बच्चे हमारे गए थे, तो दोनों को जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पोल स्टार TV के साथ।